मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह को टिकट दिए जाने पर बोले शिवराज, कहा एमपी में बंटाधार रिटर्न्स। इसके साथ ही खुद के चुनाव लड़ने पर शिवराज ने कहा कि पार्टी जो तय करेगी वही कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि एमपी की सभी 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। ऐसा कहते हुए वह आश्वस्त नजर आए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही जीत होगी। सर भोपाल की सीट को लेकर बात की जाए, दिग्विजय सिंह जी का नाम अनाउंस हो गया है और पीसीसी पहले कमलनाथ जी ने अनाउंस कर दिया, कितना महत्वपूर्ण है। अब ये तो वो जाने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भोपाल में 2900 सीटें जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय सिंह जी को कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं, 16 साल बाद राजनीति में आ रहे हैं, सक्रिय राजनीति में, कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? बंटाधार रिटर्न है। तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भोपाल जीतेगी। तो सर एक मजबूत कंटेंडर ढूंढा जा रहा है बीजेपी की तरफ से दिग्विजय के खिलाफ, तो क्या शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हो सकता है? पार्टी जो सोचेगी। सर लोग कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि 2003 का बदला लेने का आपका वक्त आ गया। मैं बदला लेने की प्रवृत्ति का नहीं हूँ, मैं सेवा करता हूँ और मिशन के लिए काम करता हूँ। मेरा मिशन है जनता की सेवा, प्रदेश का विकास और अपने देश को आगे बढ़ाना।